कैलाश पर्वत। तिब्बत के कैलाश सीमा के पहाड़ों में से एक पहाड़, जिसको भगवान शिव का घर भी कहते हैं। यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं ऑब्जर्व की गई हैं, जैसे कि सूरज के ढलने के वक्त इस पहाड़ के चट्टानों पर गिरने वाली छाया से एक बहुत बड़ा स्वास्तिक बन जाता है। आइए शिव जी की इस रहस्यमय जगह के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद ही आपको पता हो। कैलाश पर्वत और उसके आसपास वक्त बहुत जल्दी बीतता है। जिन्होंने भी इस पहाड़ के आसपास विजिट किया, उन्होंने अपने बाल और नाखून 12 घंटों में इतनी जल्दी भरते हुए एक्सपीरियंस किए जितना नॉर्मल कंडीशन में 2 हफ्ते लग जाते हैं। वहाँ की हवा उम्र जल्दी बढ़ाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कैलाश पर्वत में तकरीबन 14,950 यानी कि 14,950 फीट की हाइट पे 2 लेक्स हैं, जिनका नाम है मानसरोवर और राक्षस तल। ये दोनों एक दूसरे के आसपास है और ज़मीन की बस एक पतली सी लेयर से अलग हुई हुई है। मानसरोवर लेक, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक है, सूरज की तरह गोल है, जबकि राक्षस तल एक सॉल्ट वाटर लेक है जो कि भरते हुए चांद की तरह दिखती है। दोनों झीलों के इतने पास होने के बावजूद भी दोनों बहुत अलग हैं। मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन राक्षस तल हमेशा तूफान से घिरी हुई होती है। ये दोनों झील ऐसी हैं जैसा कि मानो अच्छाई और बुराई को दर्शा रही है। कहते हैं कि राक्षस तल रावण की झील थी, जहां उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर यानी कि 8,848 मीटर है और उसको अभी तक तकरीबन 4,000 लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा है, फिर भी आज तक उसकी ऊंचाई को कोई नहीं छू पाया। वहाँ बहुत सारे अभियान हुए बट सब के सब कैलाश पर्वत को चढ़ने में नाकाम रहे। कहते हैं कि मिलरप्पा नाम के एक रहस्यमय तिब्बती कवि ही आज तक कैलाश पर्वत को चढ़ पाए हैं और ये बात तकरीबन 900 साल पुरानी है, लेकिन इनके बाद कभी भी किसी ने कैलाश पर्वत को चढ़ने की बात नहीं सुनी। जब भी कोई इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता तो यह पहाड़ अपनी टारगेट लोकेशन को ऐसे चेंज कर लेता है कि पहाड़ चढ़ने वाला गलत डायरेक्शन में चलने लगता है, या फिर जब भी कोई पहाड़ की ऊंचाई के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है तो या तो अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है या फिर उन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, और इनमें से बहुत से लोग तो कभी वापस भी नहीं लौट पाए। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत शिव जी का घर है, इसीलिए आज तक कोई भी वहाँ नहीं जा सका। कुछ रशियन और अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत एक मैनमेड पिरामिड भी हो सकता है, जो कि तकरीबन 100 छोटे पिरामिड्स का सेंटर है। ये धार्मिक शिखर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का केंद्र है, जिसको एक्सिस मुंडी कहते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये दुनिया के कई मॉन्यूमेंट से कनेक्टेड है, जैसे कि इंग्लैंड के स्टोनहेंज से ये एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और यही सेम डिस्टेंस इसका नॉर्थ पोल से है, और साउथ पोल से इसका एग्जैक्ट डबल यानी कि 13,332 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये पर्वत स्वर्ग और धरती के बीच की कड़ी है, जो कि एक दूसरे को जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए इस नंबर पर थॉटशेड लिखकर व्हाट्सएप करें, और रोज़ कुछ नई बातें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करिए, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।